अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी भाई मेरा नाम है शाहिद खान। आपका? शहबाज खान। आपका नाम है? शहबाज खान। अच्छा दोनों शहबाज हैं? जी दोनों शहबाज हैं। मैं नौशेरा से हूँ, ये लाहौर से। अच्छा आप नौशेरा से हैं, ये लाहौर से हैं भाई? जी जी। तो इंजॉय करने के लिए आए हुए लाहौर? बिल्कुल इंजॉय करने आए। इसने कह दिया कि लाहौर में बहुत खूबसूरत पार्क है। अच्छा। वो इधर आपको हम घूमने के लिए सैर करवाते, तो इसलिए हम इधर आए गए। बहुत मज़ा हो गया। हर जगह हमने देखे लेकिन एक लाइब्रेरी बंद थी उधर। वो कहते कि मंडे के दिन से वो खुलेगी, इतवार के दिन वो बंद होती है। चले लाइब्रेरी कोई चीज़ आप छोड़ भी दें ताकि दोबारा आपका बहाना रहे लाहौर आने का। बिल्कुल। तो आप भी लाहौर में होते हैं कि नौशेरा से हैं? जी मैं भी नौशेरा से हूँ। अच्छा आप दोनों भाई नौशेरा से हैं, तो ये हमारे भाई हमारी तरह जो है वो लाहौर में होते हैं। आप इनकी मेहमाननवाजी कर रहे हैं? जी जी सही हो गया। तो खास इनकी दावत पे आप आए? हर जगह घुमा के लाए हूँ। हर जगह स्कोच से आए, इधर आ गए, इससे फिर जाएंगे गुलशन इकबाल पार्क जाएंगे। अच्छा अच्छा। एक तो कह रहे हैं हमें चिड़ियाघर लेके जाओ, मैं गुलशन इकबाल पार्क इनको लेके जाऊंगा। चिड़ियाघर नहीं लेके जाएंगे आप? नहीं चिड़ियाघर नहीं जाना, वो बच्चों की जगह है। वो बच्चों की जगह है। चलिए मुझे ये बताइए शहबाज भाई कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अगर मैं आपसे सवाल करूँ आप जवाब दे पाएंगे? यस सर बहुत बेस्ट है। अच्छा बेस्ट है, इतने कॉन्फिडेंट है। आपकी कॉमन सेंस कैसी है? फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा फर्स्ट क्लास। तो हमारे लाहौर वाले भाई की मैं हमारे जैसी हो गई है ना? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हम तो अनपढ़ है यार। हम पढ़े लिखे। चलिए मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पांव होते हैं? उल्लू। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। उल्लू के सर पर पांव होते हैं? उल्लू वैसे ही बदनाम है यार, उल्लू के सर पर पांव नहीं होते। सर पर पांव होते हैं वो दरख्त के ऊपर, रात को उसके नजर काम करते, दिन को नहीं करता है। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। दूसरा सवाल करो। ये बहुत आसान है यार, आप बता सकते हैं? नहीं नहीं यार भाई, तो कह रहे कुत्ता है, कुत्ते के पांव नीचे होते। कुत्ता परिंदा नहीं होता यार, मैं परिंदे का पूछ रहा हूँ आपसे। कह रहे कुत्ता है, वो बहस कर रहे आपस में। अच्छा अच्छा शुगर लग रहा है जी। कुत्ता नहीं हो सकता क्योंकि हम परिंदे की बात कर रहे हैं। नहीं इसका जवाब नहीं आता आपको? थोड़ा सोचे तो सही। सर पर पांव होते हैं, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा जो है वो गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। कॉमन सेंस तो आपकी बहुत जो है वो स्ट्रांग थी, आप बता रहे। चलिए मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन सारी जिंदगी उसे खाते नहीं? खाने के लिए लाते और खाने खाते नहीं है, सारी जिंदगी नहीं खाते उसे, लाते खाने के लिए। क्या बताया आपने? प्लेट। बिल्कुल दुरुस्त है जी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने देख लिया, इनकी कॉमन सेंस काम कर गई। जाहिर है बर्तन हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन कभी खाते नहीं है। अच्छा आप हमें फिर कुछ सुना दें, आपने बात तो हमसे कोई नहीं की, कोई सॉन्ग सुनाएंगे हमें जो है वो पश्तो में? पश्तो का सुनाओ भैया। मैं पश्तो का सॉन्ग सुनाओ जी। बिल्कुल अच्छी वाला है यार, मतलब यार अच्छे वाला सॉन्ग सुनाएं जो आपको अच्छा लगता है वो सुनाएं आप। दोस्ताना गम ओए दानन सबा खलग मतलब यांदी औ मुंज दनर तो बियारी कौ खलग नफरत कविना ओए यारी द जोर खबर नदा कजर दिन भी यार नदी मजबूर उमा। समझ तो हमें नहीं आई लेकिन हम देख लेंगे इसका मतलब। भाई ने दरख्त का बात की थी लेकिन उस पर मैं सोच रहा हूँ कि उसने कह दिया कौन सा दरख्त है कि उसमें लकड़ी ना हो। मैंने ऐसा दरख्त तो होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती, होता है ऐसा दरख्त? अंगूर। नहीं अंगूर में भी होती है बेल में जो है। इधर दरख्त इसमें तो लकड़ी है। चले एक केले का दरख्त होता है यार जिसमें जो है वो लकड़ी नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। आप तो आप कहेंगे क्योंकि आप मैंने जो बता रहा था लेकिन वैसे तो डायरेक्ट नहीं बता सकते ना। केले का क्यों ऐसे की बात है? केले का उसमें तो दरख्त लकड़ी नहीं होती। बस ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी।